क्वेश्चन लिखिएगा, साबित करें कि F बराबर एम ए। साबित करें कि F बराबर एम ए। प्रूफ करें, शुरू स्टार्ट करें। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका हिंदी हो जाएगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, परिभाषा याद है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होते, ये लिखा है संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी की दर, बोले तो डेल्टा टी आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बस में फिर सुनेगा आपको लिखा है, देखिए संवेग में परिवर्तन का सिंबल डेल्टा पी, देखो कल लिखाए हैं, परसों लिखा है ना, देखिए देखिए मिले कॉपी में क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं F समानुपाती की जगह पर कांस्टेंट के डेल्टा P बाय क्या डेल्टा T, वेयर जहां ये क्या है कांस्टेंट है। अगर ध्यान दीजिएगा समझिएगा, ये हो जाएगा F बराबर के डेल्टा P, मोमेंटम आपको बताऊंगे मास इनटू एक्सेलरेशन बाय क्या डेल्टा T, नहीं सॉरी मास इनटू वेलोसिटी का है, तो P बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, नहीं पढ़ाए हैं मोमेंटम रे, ये P के जगह पर ये P है ना, P के जगह मास में वेलोसिटी लिख दिए, क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास बदलता नहीं, बदल क्या रहा है वेलोसिटी बदल रहा है, तो मास को बाहर कर देते, एफ बराबर हो जाएगा के इंटू एम इंटू डेल्टा भी अब बटे क्या डेल्टा टी। हो जाएगा एफ बराबर के इंटू एम इंटू, इसको लिख सकते हैं ए का है, तो आपको बताएंगे कि डेल्टा भी बाय डेल्टा टी यह बराबर होता है ए के। देख लीजिए कॉपी ऑफ शनिवार, परसों का कॉपी, परसों कॉपी देखिए ना, सब लिखाए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब प्रयोग के द्वारा पाया गया कि वेन जब के का मान एक होता है, ठीक है इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, जब के का मान एक होता है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में के जगह मान रख दिए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम ए। कोई दिक्कत किसी को, याद रखना है एफ के अनुनु फोर्स, एम के अनुनु मास, ये क्या है एक्सेलरेशन त्वरण, मास हो गया द्रव्यमान, एफ हो गया बल। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? हाँ चलिए फटाफट जल्दी से उतारिए, उतारिए तब इसके आगे बताएंगे।
चलिए उतरे फट जल्दी से, यहाँ से जल्दी उतरिए। उतारते चलिए, उसका स्लाइड कर देंगे। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ लिखाए हैं, न्यूटन गति का तीसरा नियम, उसका एग्जाम्पल है, एगो लिखाए हैं। अच्छा ठीक, लिखने को देखना, सब लिखा देंगे। सर कर दें, चलिए उतरिए। ये शाम में 6 से 7 बैच का क्लास है, ठीक है। और जैसा कि हम बोले थे कि हम बस बहुत विशेष परिस्थिति में छुट्टी देते हैं, जब बहुत आवश्यक होता है। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप लोग अभी तो चूँकि अंधेरा भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग का सुबह 9 बजे कहीं ट्यूशन है क्या? सुबह 9 बजे किसी का ट्यूशन नहीं है, कहाँ है? तो चेंज कर लीजिएगा, है ना भाई? कहाँ है करो भाई, कहाँ? वहीं है। और सर का बैच होगा है ना? और क्या कि देखिए 6 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है, 6-7 नहीं समझे, और अभी दिक्कत हो जाएगा। अभी तो ठंड आएगा तो और अंधेरा होगा, नहीं होगा कि रे क्यों दिक्कत की तो रे कि चू नहीं ना? कल साबित में 9 बजे, कल से 9 बजे आ जाएगा। कौन कॉलेज?
चलिए स्टार देके लिखिएगा, तो स्टार देके लिखिएगा, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम फंडामेंटल मूल नियम है, फंडामेंटल। मूल नियम है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, फंडामेंटल नियम मूल नियम है। मूल नियम है ठीक है, ऐसे में अब स्टार देके लिखेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, स्टार देके लिखेगा, न्यूटन के स्टार देके लिखना है, थर्ड लॉ के अनुसार। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एक मिनट खाली ध्यान देखिएगा। ये कहता है कि मास एंड वेलोसिटी बराबर मास एंड वेलोसिटी, बराबर और विपरीत। जब बंदूक से गोली फायर करते हो, बंदूक से गोली फायर करते हो ना, जैसे जैसे गोली निकलता है तो बंदूक के पीछे को झटका लगता है, लगता है ना झटका, ये हो गया। अब वेयर, जहां एम को कहते हैं मास ऑफ गन, हिंदी में बोल देंगे ठीक है, हिंदी बोल देंगे, बी हो गया रिकॉइलिंग ऑफ गन, छोटी एम हो गया मास ऑफ बुलेट, छोटी भी हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट, देखिए ये चिन्ह क्या बता रहा है कि अगर चिन्ह नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, बराबर है, बराबर है ना, आ ये चिन्ह दे दिया, चिन्ह का मतलब क्या हो गया, बराबर है लेकिन विपरीत है, बस में है? अगर ये चिन्ह दे इसका मतलब क्या हो गया, बराबर है लेकिन क्या है, विपरीत है, कि जितना स्पीड से गोली इधर निकला उतने ही स्पीड से झटका इधर पीछे की ओर लगा, बराबर विपरीत, समझ में आ रहा है, इसको उतरेगा, हिंदी से बोल देंगे, उतार लीजिए इसको, हम इसका हिंदी बोल देंगे, उतार लीजिए फटाफट जल्दी से, कह सकते हैं शाम में जल्दी छुट्टी देना पड़ जा रहा है, अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है, हिंदी लिखिएगा, अच्छा रुकेंगे, बोलें हिंदी लिखिएगा, पहला कहती बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक, बंदूक का द्रव्यमान, उसका हिंदी लिखिएगा, बंदूक का प्रतिक्रियात्मक वेग, बंदूक का प्रतिक्रियात्मक वेग, उसके बाद लिखिएगा गोली का द्रव्यमान,
गोली का द्रव्यमान नीचे लिखिएगा, गोली का वेग, गोली का वेग हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वेट क्या है, वेट पेटनरी वेट भार, वेट क्या है, इसका एसआई यूनिट अब हम बीमा सूत्र लिखें। वेट क्या है, इसका एसआई यूनिट हम बीमा सूत्र लिखें। बोले सुनो ध्यान से परिभाषा, पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है वह बल उस ऑब्जेक्ट का भार वेट कहलाता है। पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है वह बल उस ऑब्जेक्ट का भार कहलाता है, वेट कहलाता है। वेट को प्रायः W से सूचित करते हैं, फल मतलब W और M इंटू G, ठीक है। जहाँ व्या W क्या है बेटा, भार वेट, एम क्या बेटा मास द्रव्यमान, ठीक है द्रव्यमान। जी क्या है बेटा गुरुत्वीय त्वरण, ग्राम ने नुनू गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस मिला, वेट का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, W बराबर M इंटू जी। W क्या नुनू M, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। लिखिए, पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को, पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है अपनी ओर आकर्षित करता है कॉमा वह बल ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है, वह बल ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। इसे प्रायः W से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः W से सूचित किया जाता है। अर्थात W बराबर M इंटू जी, उतार लीजिएगा फॉर्मूला। W क्या है, भार है द्रव्यमान है, उतार लीजिएगा।
हो गया, उतार लिया। स्टार देखिए फटाफट लिखिएगा, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। एक किलोग्राम वेट, इसको बोलते हैं किलोग्राम भार, या बराबर होता है 9.8 न्यूटन, या लगभग इसको कहीं कहीं पर 10 न्यूटन भी लिखा जाता है। उतार लीजिएगा, स्टार देखिए। ये उतारिए, न्यूटन है लगभग बराबर 10 न्यूटन, लगभग बराबर सिंबल है। फिर स्टार दे के लिखेगा, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है। स्टार दे के लिखेगा, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है। डाइन होता है लिखे, फिर स्टार देखिए लिखेगा, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। फिर स्टार देखिए लिखेगा, इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, बोलिए तो। M1 L1 T-2, इसका बीमा सूत्र M1 L1 T-2 होता है। इसके बाद ये शाम में 6 से 7 का बैच है, 11 का क्लास है, कल इसके आगे पढ़ेंगे। जो भी बच्चे हैं मैं बता दूं, क्लास हो रहा है, कभी कदाल बीच में थोड़ा सा तबीयत तो स्वस्थ होने के कारण छुट्टी मिल जाता है। आज जैसे कि इंग्लिश मीडियम बैच और इसको दोनों इंग्लिश मीडियम बैच 11-12 इंग्लिश मीडियम दोनों बैच को छुट्टी दी थी, अब बाकी सभी बैच को पढ़ाए थे। शाम का टोटल बैच क्लास हुआ था सिर्फ इंग्लिश मीडियम 11th और 12th का इंग्लिश मीडियम को छोड़कर, बाकी सभी बैच को पढ़ाए थे। आज 28 तारीख है ना, 28 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो और भी जो बच्चे सब हैं, चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा पहुँचाए। जो बच्चे गांव देहात से हैं, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, नहीं आ पाते हैं, कम से कम वहाँ तक हमारी जो है ज्ञान का जो दीपक है, ज्ञान की जो ज्योति है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। हर एक बच्चे को इंटर का शिक्षित शिक्षा उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे के पास जाएगा, कोशिश कीजिएगा हर एक बच्चा कम से कम 3 लोगों को शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का, ठीक है। धन्यवाद।